रिएक्शन दीजिए उसके बाद राजेश शर्मा के पास भी हमें जाना है। राजेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से क्षेत्रीय तस्वीर के आधार पर, क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर लड़ी गई, इसे बिल्कुल ये ना समझा जाए कि इन इन चुनावों में अगर जीत होती है तो वो क्षेत्रीय नेताओं की जीत प्राइमरली होगी, सेकेंडली प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी के नेता की होगी। तो ये कहना कि इन चुनावों में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा लूज करती है, हारती है, तो मोदी का ग्राफ एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में गिर रहा है, तो ये अतिशयोक्ति होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो मुद्दे उठाए गए थे वो लोकल थे, और कभी कहीं पर भी विधानसभा का चुनाव होता है, बड़े जो नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, सतीश जी देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, प्रचार करते हैं, ये मानना ये लोकल मंदिर मस्जिद का मुद्दा लोकल मुद्दा नहीं हुआ, नहीं कांग्रेस नाम बदलने का मुद्दा लोकल मुद्दा नहीं हुआ। आपने तेलंगाना, कांग्रेस ने जाकर तेलंगाना में सारे वो मुद्दे उठा है, तो ये वहां पर उसकी देखने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्षेत्रीय चुनाव 22-22 रैलियां कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो जाके कह रहा है हैदराबाद में, भाई साहब आपके पास आंकड़े हैं 2004 में 2005 में, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त के जो आंकड़े हैं, उस वक्त जो चुनाव में जो तैयारियां हुई, जिस तरह से उस समय भी मुद्दे उठाए गए थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, नहीं चुनावों में जो उस समय में प्रधानमंत्री जाके रैलियां नहीं कर रहे थे, ये एक सोचने वाली बिल्कुल बात बिल्कुल, लेकिन लेकिन इतना तो रहा सतीश जी और मशकूर जी, इतना इतना तो रहा कि भाई रीजनल ये चुनाव थे, लेकिन इस पे एक तरह से मुद्दे नेशनल एक तरह से हावी रहे। और इस वक्त अपने नाज़रीन तक हम खबर पहुंचा दें, क्योंकि हमारा फोकस अब मिजोरम पर भी होना चाहिए। मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों के रुझान तो गए, 38 सीटों के नतीजे भी न्यूज 18 उर्दू पर सबसे पहले 38 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, 2 सीटों के नतीजे और आना बाकी हैं। तस्वीर बिल्कुल मिजोरम की क्लियर है, एमएनएफ 26 सीटों के साथ बिल्कुल एक तरह से फुल बहुमत में आती है, अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती और इख्तदार में आती नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा ये सर्किल जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो सर्किल है वो एमएनएफ का है, जो कि रीजनल पार्टी है, और उसने इस बार बड़ी शानदार कारकर्दगी बिल्कुल कारकर्दगी पेश की है। और 38 सीटों के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ 2 सीटों पर नतीजे आना और बाकी हैं। 40 सीटों में से 24 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है एमएनएफ, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, सिर्फ 5 सीटें जीती हैं, किसी पर बढ़त नहीं है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है, बीजेपी का भी नुकसान हुआ है। अदर्स ने अगर देखा जाए तो अच्छी कारकर्दगी की है, अदर्स 8 सीटों पर, यानी दूसरी पोजिशन पर एमएनएफ के बाद अदर्स हैं जिन्होंने 8 सीटें जीती हैं। तो मिजोरम की तस्वीर थी, और हमें तो लग रहा है ना कि अब से 10-15 मिनट में मिजोरम का के एक बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए हुरैरा, अब तक जितने हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी जो है वो वक्त आ रहा है जब धीरे धीरे जो है तमाम नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के ऊपर लग गई हैं। जी राजेश शर्मा जी, ये सवाल हिना जी ने आपसे किया है, और राजेश शर्मा जी इस सवाल के अलावा मेरा भी एक सवाल है, जिस तरह से मैंने कहा था कि भाई कांग्रेस जिन राज्यों में जीत कर आ रही, जहां पर एक तस्वीर क्लियर हो रही, जैसे राजस्थान है या फिर छत्तीसगढ़ है, चैलेंजेस लेकिन कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। जी राजेश जी, लग रहा है राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपका आवाज नहीं ठीक है, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपके सामने चैलेंजेस ज्यादा है कांग्रेस के सामने और वक्त बहुत कम है, जिस तरह से बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे कांग्रेस ने किए हैं चुनाव में। राजेश जी फिर आवाज नहीं आ रहा, देखिए तो लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम में हिना है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले सतीश जी आपके पास आना चाहिए। जो कांग्रेस ने वादे किए हैं मैं आपको बता दूं, जी जवाब दे दीजिए, आवाज आ रही है। दिशा वो 100% कमिटमेंट पूरा होगा, वो अभ्यास के साथ किया हुआ है, कोई जुमलाबाजी नहीं है। आपने अभी तक इतिहास देखा होगा कांग्रेस का, जो भी कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट कंप्लीट हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों में होगा, उसके लिए कोई शंका ही नहीं है। और रह गई जो क्रेडिट की बात है, वो नेचुरल तौर पे जो वहाँ की जनता है उसको क्रेडिट जाती है, क्योंकि उस जनता ने बहुत झेला है, किसानों ने गोली खाई है, लोगों ने जीएसटी का अत्याचार देखा है, नोटबंदी
से जो लोग मरे हैं, व्यापक घोटाले, ये सारी बातों का जो संकेत है, ये लोगों का जो आक्रोश है, ये कांग्रेस। राजेश शर्मा जी, मेरा सवाल देखिए, आप ये जवाब दो तीन बार दे चुके हैं। राजेश शर्मा जी, मेरा सवाल आप समझिए, पूरी कोशिश कर। राजेश शर्मा जी मेरा सवाल समझिए, जहां पर राहुल गांधी भाषण देते थे, तकरीर करते थे सभाओं में, कहते थे 10 दिन का कांग्रेस की हुकूमत दीजिए और 10 दिन का वक्त दीजिए, 10 दिन के अंदर हुकूमत बनते ही, सरकार बनते ही कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी 2 लाख रुपए तक। तो टाइम आपके पास 10 दिन का है, क्योंकि किसानों का मसला सिर्फ राज्यों तक नहीं है, नेशनल लेवल पर किसानों का मसला है। और 2019 को भी जहन में रखिए राजेश जी। नहीं बिल्कुल, जो ये राहुल जी ने जो कमिटमेंट किया है 2019 की, जो आप बता रहे, चुनाव और काम, ये दोनों अलग अलग है। देखिए, ये जो 10 दिन की बात है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो राहुल जी ने डिक्लेयर किया है वो किसानों का कर्ज माफ होगा। और जो पूरे देश की बात है, आपने जो पूरे नेशनल लेवल पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी आपने देखा होगा हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। लेकिन उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई, वो आपने देखा होगा कितने बुरी तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किए, गोली मरवाई लोगों को, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो कभी यूपीए के कार्यकाल में ये स्थिति नहीं थी जो आज एनडीए के कार्यकाल में मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ने एकदम हिटलर शाही, उनको लगता है लोगों की क्या कीमत है, लोग मरे कटे बचे कुछ नहीं, महंगाई, हर अत्याचार, हर लेवल पे। मुमताज आलम रिजवी साहब, इस पर बहुत जल्दी आपका कमेंट चाहेंगे, फिर कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है। कांग्रेस के सामने चैलेंज तो बड़ा है, टास्क जो है बहुत बड़ा है और टाइम भी कम। देखिए, कांग्रेस जो है एक मैच्योर पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, उसने हुकूमतें की हैं और उसको मालूम है कि कैसे चीजों को टैकल किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो वायदे किए हैं उनके सामने 2019 न रहा होगा और वो सिर्फ यूं ही जुमलेबाजी कर गए, जबकि वो इलेक्शन ही इसी बात पे लड़े हैं कि ये जुमला पार्टी है। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ उन्होंने एक खाका तैयार किया होगा कि इसको कैसे फिल किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने सूबे में इलेक्शन, सूबे में कांग्रेस को वोट किया है, वो यकीनन उनके जहन में भी ये बात होगी कि हमें 19 में, क्योंकि जब राहुल का चेहरा आता है तो वो सूबाई सतह पर नहीं आता, नेशनल सतह पर आता है, तो वो ट्रेंड 19 को भी वो ट्रेंड जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन शर्तों पे कि 10 दिन और 12 दिन, ये ठीक है इलेक्शन में चीजें कही जाती हैं, लेकिन कुछ हद तक कांग्रेस काम करेगी और कांग्रेस के पास तजर्बा है। तो ये कहना कि बहुत ज्यादा मुश्किल में, बहुत चैलेंजेस, ये कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि चैलेंज ये होगा कि अब 19 को कैसे कांग्रेस फेस करेगी, कैसे लोगों को साथ लेकर चलेगी, 19 को कैसे फेस किया जाएगा, 19 के लिए क्या कुछ लायामल तैयार किया जाएगा। हमारी ये बातचीत जो है ये भी लगातार यूं ही जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी